खबर है रीवा से, जहां ट्रैक्टर की रिंग में बाइक का हैंडल फंसने से बाइक सवार दंपति दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर पति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह घटना जिले के जनेह थाना क्षेत्र चौखड़ा गांव की है। घटना के संबंध में बताया गया कि अकाली प्रजापति पिता विशेषर 55 वर्ष निवासी ग्राम सलैया थाना पनवार अपनी पत्नी गंगा देवी 52 वर्ष के साथ बाइक में सवार होकर ससुराल जनेह जा रहे थे। रविवार की सुबह में जैसे ही जनेह थाने के चौखड़ा गांव के समीप पहुंचे, तभी वहां से एक ट्रैक्टर गुजरा। बताया गया कि ट्रैक्टर के पहिए में लोहे की रिंग लगी हुई थी, जिसमें अचानक से बाइक का हैंडल फंस गया और बाइक सवार दंपति सड़क पर गिर गए। अचानक हुए हादसे के दौरान पति ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही निकलकर सामने आई है, जो काफी तेज गति से वाहन चला रहा था और उसकी रिंग में बाइक का हैंडल फंस गया। बताया गया है कि महिला की चाची की तबीयत काफी खराब थी, जिसको देखने के लिए वे पति के साथ मायके जा रही थी, तभी रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। थाना प्रभारी कन्हैया बघेल ने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।